नहीं पी है। ओके, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केसेस में डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। रीजंस दोनों के आपके सामने हैं। रीजंस क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन वो इंक्रीज हो जाता है, तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज होते हैं, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए नंबर ऑफ आयन तो इंक्रीज हो नहीं सकते, क्योंकि उसमें 100% डिसोसिएशन पहले से ही होता है। ठीक है, तो फिर यहाँ क्या होता है डाइल्यूशन पर? यहाँ जैसे ही हम डाइल्यूट करते हैं, इंटर आयनिक डिस्टेंस वो इंक्रीज हो जाती है। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी ऑपोजिट चार्ज आयन के बीच में, तो वो एक दूसरे को ड्रैग नहीं करेंगे, उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। इट मीन्स नाउ दे आर एबल टू मूव फ्रीली। वी कैन से विद द अप्रोप्रिएट टर्म आयनिक मोबिलिटी दैट देयर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस। ओके, एज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑपोजिटली चार्ज आयन्स इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, देयर आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, एंड व्हेन आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। सो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, बट बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैव सेपरेट रीजंस, दोनों के अलग अलग रीजन है। ठीक है, ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, इसकी बात हम कर चुके हैं। एक आ, आ, जो आपका क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, उसे आप डाइल्यूट करते चले जाएंगे तो लैम्डा लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप लैम्डा एम जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज होना बंद हो जाएगी। वो जो हाईएस्ट वैल्यू आपने अचीव की है वो लैम्डा एम नॉट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और जो कोरेस्पॉन्डिंग डाइल्यूशन है उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो ये तो हो गई एक बात। अब हम लोग पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में जो वेरिएशन होता है वो किस तरह से होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है ना, आप लोग लिख सकते हैं एक लाइन, उसके बाद में हम लोग हेडिंग लगाएंगे। फटाफट लिखिए, वेरिएशन ऑफ लेमडा एम विद कॉन्सेंट्रेशन, द वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन इज डिफरेंट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, इज डिफरेंट फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये लो भाई, दोनों के लिए क्या है, ये अलग है। तो अब हम सबसे पहले किसके लिए देखेंगे? हम देखेंगे सबसे पहले, इंक ले लेते हैं ग्रीन, यस। हम देखेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे वेरिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बिहेवियर लगा लो भाई, बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये लो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बिहेवियर देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेशन के साथ उनका बिहेवियर क्या है, किस तरह से ये आपकी मोलर कंडक्टिविटी है ये इंक्रीज होती है। हेडिंग आपके सामने है, बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो लेमडा एम इंक्रीज होती है डाइल्यूशन के साथ, वो स्लो इंक्रीज होती है, उसमें बहुत कम चेंज आता है, स्मॉल इंक्रीज होता है। ठीक है, बहुत स्लोली इंक्रीज होती है। तो आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, फैक्ट है, वो लिख सकते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। फटाफट लिख लो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा एम इंक्रीजेज स्लोली। ये लो भाई, ये आपका कॉन्सेप्ट है, लैम्डा एम इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन। जैसे जैसे आप डाइल्यूट करते जाएंगे तो लैम्डा एम इंक्रीज होगा, लेकिन बट इंक्रीज इज स्लोली। स्लोली को यहाँ पर आपको हाईलाइट करना है और इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इस इंक्रीज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक हमारे पास इक्वेशन है, उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं देखते हैं।
कौन सी इक्वेशन है? ये रही आपकी इक्वेशन, बड़ी ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए रूट सी। ठीक है, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग इक्वेशन है और इसको इक्वेशन को बोलते हैं डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है? डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन, डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन है भाई ये। ठीक है, इसको हम लोग अब से क्या बोलेंगे? डीएचओ इक्वेशन। इतना लंबा नाम बार बार नहीं लिखेंगे, डिबाई हकल इन ओनसागर इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देख लो जरा, लेमडा एम आप जानते हो, लेमडा एम नोट ये भी आप जानते हो, आप जानते हो सी, सी क्या है? मोलैरिटी और कॉन्सेंट्रेशन है। आप सी का मीनिंग लिख सकते हो, सी क्या है यहां पर? मोलैरिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर। ठीक है, ये हो गया सी। अब आप जिसे नहीं जानते हो वो है आपका ए, कैपिटल ए की जो टर्म है वो आपको यहाँ पर स्पेशल रूप से मिलती है इस इक्वेशन में, डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन में। और इसका मीनिंग क्या है जरा देख लो, ए क्या है? ए एक कांस्टेंट है। ठीक है, आप यदि इसको नहीं लिखना चाहें तो अभी छोड़ सकते हैं, बाद में पीडीएफ से लिख सकते हैं। ए क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट है उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं हम लोग, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये लो भाई, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। किसकी वैल्यू? ए की वैल्यू। और इलेक्ट्रोलाइट के टाइप से यहाँ मीनिंग क्या है वो देख लो, इलेक्ट्रोलाइट के टाइप से यहाँ मीनिंग है, ये जो NaCl है ये 1-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। 1-1 टाइप का मतलब 1 आपका पॉजिटिव चार्ज है और 1 आपका निगेटिव चार्ज है, तो 1-1 टाइप का। CaCl2 2-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। 2-1 टाइप से मतलब ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर +2 है और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर -1 है, मतलब जो आपका एनायन है उस पे चार्ज है -1, कैटायन के ऊपर है +2, तो ये हो गया 2-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। कौन? CaCl2। इसी तरह से MgSO4 क्या है? 2-2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है। कैसे? इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -2 चार्ज है। बात समझ में आई? तो ए क्या है? एक कॉन्स्टेंट है और गिवन सोलवेंट और टेम्परेचर के लिए इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट के टाइप पे। इलेक्ट्रोलाइट का टाइप डिसाइडेड होता है चार्जेस ऑफ कैटायन और एनायन, एनायन और कैटायन के चार्ज से डिसाइड होता है। जैसे मैंने आपको बताया NaCl +1 -1 चार्ज है, तो 1-1, CaCl2 2-1, MgSO4 दोनों पे +2 और -2 चार्ज है, तो ये हो गया 2-2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, है ना, ये तो हो गया ए। अब ए की वैल्यू से जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप हैव सेम वैल्यू ऑफ ए। ये लो भाई, जो भी इलेक्ट्रोलाइट आपके 1-1 टाइप के हैं उन सब की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, ए की वैल्यू। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपको कहीं प्रिडिक्ट नहीं करनी है, न्यूमेरिकल में यदि इसकी जरूरत पड़ती है तो द वैल्यू विल बी प्रोवाइडेड टू यू। बस यहाँ इससे रिलेटेड जो फैक्ट थे वो हमने पढ़े हैं कि ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करती है, दूसरा पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए इसकी वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो ये हो गया ए की वैल्यू। ठीक है, ये डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन है और ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर ज्यादा सही से फॉलो होती है। ठीक है, तो आपने देखा डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन। अब डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन क्या है कि हमें काफी सारे कॉन्सेप्ट सिखाती है। ठीक है, उनमें सबसे पहला है, कुछ हम ऑब्जर्वेशन लेंगे उसके बाद में हम आगे चलेंगे। ये लो भाई, अब हम डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन को डिस्कस करेंगे। इसके लिए कुछ हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशन से देखते हैं। आप लिखेंगे ऑब्जर्वेशंस रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये लो भाई, ये जो आपकी डिबाई हकल इक्वेशन है ना, इसके रेस्पेक्ट में हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को डिस्कस करेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन फटाफट देखेंगे। नंबर वन ऑब्जर्वेशन देखते हैं, नंबर वन क्या है? नंबर वन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आपका, जो लिखते जाओ, प्लॉट बिटवीन लेमडा एम एंड रूट सी
रूट सी इज ए स्ट्रेट लाइन. ये लो भाई, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेशन. लैम्डा एम और रूट सी में आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आएगा, और वो आना भी चाहिए. क्यों आना चाहिए अभी हम बात करेंगे. आगे आप लिख लो, इट शोज दैट, फटाफट लिख लो, इट शोज दैट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉलोज DHO इक्वेशन, डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन. ये DHO इक्वेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है. लेकिन ये लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही फॉलो करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब अच्छी तरह से फॉलो करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन पे. ये देखो हमने एक लाइन अभी यहाँ पर देखी है, डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन, ये तो है ही है. एंड इज फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कॉन्सेंट्रेशन. लो कॉन्सेंट्रेशन पर ही ये अच्छी तरह से फॉलो करती है. ये आप लिख भी सकते हैं, DHO इक्वेशन यहीं लिख लो इसको, क्योंकि ये हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात कर रहे हैं ना. DHO इक्वेशन इज फाउंड टू होल्ड गुड, फाउंड टू होल्ड गुड एट लो कॉन्सेंट्रेशन. ये लो भाई, ठीक है. तो अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट है कि लैम्डा एम और रूट सी में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन आता है, और वो आना भी चाहिए. तो आना क्यों चाहिए वो देख लेते हैं फटाफट. आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पता है? किसी को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है बताना जरा. इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है फटाफट कोई बता सकता है क्या? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सर y is equal to mx plus c. इसका मतलब ये हुआ कि आप y और x में आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो वो क्या आएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, राइट. बात सही है कि नहीं है? वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा आपका x और y का ग्राफ. और m क्या होगा, m यहाँ पर स्लोप होगा, और c क्या होगा, c यहाँ पर होगा इंटरसेप्ट. कहानी खत्म, ठीक है. अब ये जो आपकी डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन है, ये देखते हैं, ये इसको फॉलो तो नहीं करती कहीं, देखते हैं, माइनस ए रूट सी. ओके, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस ए रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट, राइट. लिख सकते हैं क्या, देख लो जरा. और यही तो वो आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. ये देख लो, वाई इज इक्वल टू mx plus c, देख लो जरा, हो गया ना. इसका मतलब ये जो आपकी डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन है, इट फॉलोज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. यस, ये इसको फॉलो कर रही है. इसका मतलब अब यहां पर y और x क्या है आपके, लैम्डा m तो आपका y हो गया, x क्या हो गया आपका रूट c, ठीक है. इनके बीच में ग्राफ प्लॉट होगा तो आपका जो स्लोप है वो माइनस ए है. देखो इसका मतलब नेगेटिव स्लोप आएगा. तो ये जो लाइन है, अब चलो उसको छोड़ो, मैं वैसे ही बता देता हूं, ग्राफ पे आप फोकस करो. हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा एम और रूट सी पर, ठीक है. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम. सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, या जीरो कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, है ना. जीरो कॉन्सेंट्रेशन तो प्रैक्टिकली अचीव हम कर नहीं सकते उसको, लेकिन फिर भी हम यहाँ लिखेंगे, कोई बात नहीं. ये आपके 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है, 0.2 है, 0.3 है, और 0.4 है, ठीक है. कौन सी है, 0.4 मोलैरिटी, ये है, ये रूट सी की वैल्यूज है ये, ठीक है. अब देखना जरा, इतनी वैल्यूज पे हमने लिया एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू आपकी मोलरिटी ये है, एक पर्टिकुलर टाइप पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे उसकी लैम्डा एम की वैल्यू ये आई, और हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया वो लिया आपका KCl, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है. ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है. अब देखो भाई, डाइल्यूट करोगे तो आप जीरो की तरफ जाओगे ना, बताना जरा. यहां से आप कॉन्सेंट्रेशन को डाइल्यूट डिक्रीज करोगे, मीन्स सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे, तो आप 4 से 5.4 की तरफ आओगे या 0.3 की तरफ जाओगे, बताना जरा, या पॉइंट बताओ. डिक्रीज करोगे कॉन्सेंट्रेशन तो आप जीरो की तरफ चलेंगे ना. तो यहां से जैसे ही हमने देखना जरा, हाँ अब ध्यान से देखो आप लोग, ग्राफ में क्या हो रहा है, हमने किया कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया तो रूट सी की वैल्यू डिक्रीज होगी, रूट सी की वैल्यू डिक्रीज होगी
तो आपका हम जानते हैं थ्योरेटिकली क्या है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये देखो हमने रूट सी डिक्रीज किया यानी कि डाइल्यूट किया, कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज किया, तो आपका जो क्या बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी है वो बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। ये देखो जरा मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही, बहुत स्लोली इंक्रीज हो रही है। आप देख लो इनिशियल स्टेज नंबर वन और फाइनल स्टेज नंबर टू, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा मोलर कंडक्टिविटी का, तो बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। बहुत कम इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होते, वो पहले से ही 100% डिसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो है एक बात। अब आपने देखा किस तरह से इंक्रीज हुई, स्लोली इंक्रीज हुई। ठीक है, स्लोली का मतलब मेरा मतलब है वन और टू में गैप बहुत कम है, स्मॉल इंक्रीज होता है केवल। ठीक है, वो मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज है, यहां पर एक बात है कि ये जो स्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, ठीक है, इसको आप एक्सट्रापोलेट कर दोगे। ये देखो आप यदि इसको एक्सट्रापोलेट कर दोगे, ये लो ये हमने इसको एक्सट्रापोलेट कर दिया, तो ये जो वाई एक्सिस है हमारी लैम्डा एम वाली, उसको यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, करेगी कि नहीं करेगी बताना जरा। ये हमने इसको एक्सट्रापोलेट किया है, बताओ जरा। इसको एक्सट्रापोलेट किया हमने, तो ये वहां पर आपको वहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो वो ये जो वैल्यू है जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा एम है। देख लो जरा कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा एम है, उसको क्या बोलते हैं हम बताना जरा, जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे लैम्डा एम को। सर, लिमिटिंग मोलर ये कंसंट्रेशन। लो, ये लो, इसका मतलब ये जहां पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हमने इसको एक्स्ट्रापोलेट क्यों किया बताना जरा, एक्स्ट्रापोलेट हमने इसलिए किया क्योंकि आप प्रैक्टिकली जीरो कॉन्सेंट्रेशन अचीव नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली आप इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली यू कैन नॉट अचीव द इनफाइनाइट सिचुएशन। ओके, तो प्रैक्टिकली आप इसको लैम्डा एम नॉट की वैल्यू को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ ने डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन ने आपको एक रूट दे दिया, थ्योरेटिकल रूट दे दिया, जिससे आप लैम्डा एम नॉट की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अब इससे आप लैम्डा एम की नॉट की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बताना जरा। बताओ। कर लेंगे सर। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि लैम्डा एम नॉट की वैल्यू आप इनफाइनाइट टाइम्स डाइल्यूट करके प्रैक्टिकली उसको अचीव नहीं कर सकते, लेकिन जो डिबाई हकल ओनसागर इक्वेशन है उसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए रास्ता दे दिया कि भाई आप मत करो, लेकिन ग्राफ से आप कर सकते हो। तो ये ग्राफ जो ड्रॉ हुआ है आपके सामने, ये एक थ्योरेटिकल मेथड है टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट, और वो हम कैसे करेंगे, वो हम इस तरह से करेंगे। हमें पता है कि ये जो आपका लैम्डा, ये जो मोलर कंडक्टिविटी वह इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, उसके आगे हम प्रैक्टिकली इतना डाइल्यूट कर नहीं सकते, तो उसके आगे हम एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, और एक्स्ट्रापोलेट करेंगे जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वो आपकी लैम्डा एम नॉट की वैल्यू होगी, क्योंकि वो जीरो कॉन्सेंट्रेशन पे है। बात समझ में आई? तो इस तरह से लैम्डा एम नॉट की वैल्यू ग्राफ से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये जो आपके सामने ग्राफ है लैम्डा एम वर्सेस रूट सी, उससे लैम्डा एम नॉट की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन था। वी आर डिस्कसिंग व्हाट ऑब्जर्वेशंस, ओके, रिलेटेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। पहला ऑब्जर्वेशन आपने देख लिया किस तरह से बड़ा ही इंटेलिजेंटली ये डिबाई हकल ओनसागर ने ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी कर दिया। ठीक है, अब देखना जरा, यस, आप इसका स्लोप क्या हो गया बताना जरा, स्लोप क्या है इस ग्राफ का, बोलो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, स्लोप आपको बताना होगा, स्लोप स्लोप बताओ। तो माइनस ए, सर माइनस माइनस ए ए स्लोप हो गया। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट यानी कि सी की वैल्यू, सी की वैल्यू लैम्डा एम नॉट, ये जो लैम्डा एम नॉट है ये इंटरसेप्ट है, और स्लोप आपका माइनस ए है। ठीक है, ये हुई इस ग्राफ की बात। हम आ गए ऑब्जर्वेशन नंबर टू में, आप भी लिखेंगे ऑब्जर्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन नंबर टू क्या है, कुछ हमारे पास है क्या, कुछ तो हमारे पास होना चाहिए ऑब्जर्वेशन, यस, इतना थोड़ा सा हम टाइम डिक्रीज करने के लिए ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम, ये कुछ हैंड रिटन्स मैंने अभी अभी इनको पीडीएफ फॉर्म में लाया हूं मैं, ताकि हमें थोड़ा सा टाइम बच सके। ये लो, ये आपका ऑब्जर्वेशन नंबर टू आपके सामने है अब, ये लो। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन नंबर टू क्या है जरा देखना, और इसको पढ़ना लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आप इसे बाद में भी लिख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक केसीएल, केसीएल हैव हाई वैल्यू ऑफ लैम्डा एम
हाँ बात सही है, हाई वैल्यू होती है लैम्डा एम की, क्यों? क्योंकि भाई पहले से ही 100% डिसोसिएटेड है, इवन एट लो कॉन्सेंट्रेशन, ये कह रहा है लो कॉन्सेंट्रेशन पे भी उसकी लैम्डा एम की वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, तो बात सही है इसकी, वो ज्यादा है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एंड देर इज स्लो इंक्रीज इन लैम्डा एम ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन देखो दोनों फैक्ट है यहाँ पर, कि एक तो ऑलरेडी हाई है, ये देखो आप ग्राफ देखोगे तो ऑलरेडी यहां से स्टार्ट किया हमने, मतलब ऑलरेडी इतनी तो उसकी वैल्यू पहले ही है लैम्डा एम नॉट की, सॉरी लैम्डा एम की वैल्यू इतनी तो पहले ही है उसके पास, इंक्रीज तो सिर्फ इतनी सी हुई है, बात समझ में आई, इंक्रीज तो सिर्फ इतनी सी हुई है, ठीक है, तो बहुत स्लो इंक्रीज होता है और ऑलरेडी हाई होती है, ठीक है, और इंक्रीज डाइल्यूशन पर बहुत स्लो होता है, इसका रीजन देख लो भाई, इसका रीजन ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑलवेज 100% डिसोसिएटेड, ये लो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएटेड रहते हैं पहले से ही एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन, हर कॉन्सेंट्रेशन पे, चाहे उसको डाइल्यूट ले लो चाहे कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, डिसोसिएटेड तो वो 100% रहता है, ठीक है, हैंस ऑन फर्दर डाइल्यूशन पर नंबर ऑफ आयंस डज नॉट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होते, क्या इंक्रीज होता है, ओनली द आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है केवल, किस लिए, ड्यू टू इंक्रीज इन इंटर आयनिक डिस्टेंसेस, बात आपको समझ में आई, पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलरेडी जो लेमडा एम की वैल्यू पहले से ही हाई वैल्यू होती है, ये आपका यहाँ पर की पॉइंट है, हाई वैल्यू होती है लेमडा एम की, तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो 100% डिसोसिएटेड रहते हैं, नंबर ऑफ आयन उनमें मैक्सिमम होते हैं, ठीक है, दूसरा स्लो इंक्रीज क्यों होती है, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, स्मॉल इंक्रीज होता है लैम्डा एम की वैल्यू में डाइल्यूशन पर, वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयन इंक्रीज नहीं होता, यहाँ पर जो सेकंड फैक्टर होता है आयनिक मोबिलिटी वो इंक्रीज होता है डाइल्यूशन करने पर, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आयन के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है तो उनकी आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जिससे मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो आयनिक मोबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है मोलर कंडक्टिविटी में, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी में स्मॉल इंक्रीज होता है, आपने देखा कितना सा इंक्रीज हुआ, एरो आपको दिख रहा है जो मैंने बनाया है वो, आपको पता चल गया, डाइल्यूशन किया हमने तो यहां से सिर्फ इतना सा एरो का जो आपको डिफरेंस दिख रहा है बस उतना ही इंक्रीज हुआ है, ज्यादा इंक्रीज हुआ नहीं डाइल्यूशन पर, ठीक है, इवन वी हैव अचीव्ड द जीरो डाइल्यूशन उसके बाद भी, ओके, तो ये था ऑब्जर्वेशन नंबर टू, किसी को ऑब्जेक्शन है तो बता दो वरना हम ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री में जाने वाले हैं, फटाफट बोल दो, चलें, ओके, ऑब्जर्वेशन नंबर, यस सर, हाँ ऑब्जर्वेशन नंबर, मीटिंग चेंज कर लो सर, हाँ एक मिनट रुको, ऑब्जर्वेशन नंबर थ्री में ज्यादा कुछ है नहीं, ये आपके सामने है, लैम्डा एम नॉट कैन बी प्रिडिक्टेड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स बाय एक्स्ट्रापोलेशन, आप एक्स्ट्रापोलेट करके स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके आप लोग ये जो है एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये लो स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करके आप लैम्डा एम नॉट की वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जैसा हमने आपने अभी देखा है, तो ये तीन ऑब्जर्वेशन थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जॉइन नेक्स्ट मीटिंग।